आनंद जिले के झोल गांव के ग्रामीणों का सरपंच पर भ्रष्टाचार का आरोप। आनंद के झोल गांव में गोचर भूमि में सरपंच और बिल्डर्स का बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क का निर्माण किसी भी तरह के ठहराव के बिना किया गया, साथ ही गोचर भूमि पर यह सड़क किसकी अनुमति से बनाई गई, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। गांव के लोगों का कहना है कि सरपंच अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है, उसने गोचर भूमि पर बिल्डर्स के लिए एक पक्की डामर सड़क बना दी। इसी को लेकर गांव के लोगों द्वारा कलेक्टर, डीडीओ, टीडीओ, तालुका पंचायत और विस्तार अधिकारी को लिखित रूप से शिकायत कर सूचित भी किया, लेकिन अभी तक सरपंच के खिलाफ कोई उचित कार्यवाही नहीं की गई। आखिरकार सरकारी बाबू क्यों कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, क्यों सरपंच को बचाया जा रहा है, सरपंच के ऊपर कब अधिकारी कार्यवाही करेंगे, ऐसे कई सवाल अभी भी खड़े हैं जिसे देखना बाकी है। नव भारत समाचार, आनंद, गुजरात से भूमिका पांड्या के साथ नितेश पारे। जी सर, आपका नाम और परिचय? जी, मेरा नाम मुकेश वाघेला है, मैं जोल इंदिरा नगरी में रहता हूँ। और हमारे यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये जो सड़क बनाया हुआ है वो पंचायत की गौचर जमीन, जो 723 की गौचर जमीन है, उसमें ये सहजानंद सृष्टि सोसाइटी में जाने के लिए सरपंच के द्वारा बिना किसी परवानगी या बिना किसी ठहराव के ये सड़क बनाई गई है। और इसके बारे में हमने टीडीओ साहब को, आनंद कलेक्टर में और डीडीओ साहब को भी जानकारी भेजी थी, वहाँ से हमारा जवाब भी लेने आए थे, हमने यहाँ से जवाब भी भेजा है, लेकिन उस तरफ से कोई हमको रिस्पॉन्स मिला नहीं है। और इसके जो हमने तलाटी को ITI किया था इस रोड के बारे में, तो तलाटी ने हमको उसके लेटर पेपर लिख के दिया कि ये रोड जो बना है, सड़क बनाई गई है, उस सड़क पर कोई पण किसी भी जात का ठहराव या कोई पण मंजूरी दी हुई नहीं है, तब भी ये बन गया है। और सरपंच के ऊपर पूरी कार्यवाही होनी चाहिए। अगर ये जो हमने जो आंदोलन कामकाज किया है उसके ऊपर से अगर हमको किसी अधिकारी ऊपर से जवाब नहीं मिलता है, तो हम उग्र आंदोलन करेंगे।